भोपाल से इस वक्त एक खबर मिल रही है जहां कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। कम नतीजे लाने वाले स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों की वेतन वृद्धि रुक सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्रवाई करने की तैयारी की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची भी तैयार की है। संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है और अब तक मिली रिपोर्ट में 56 स्कूलों की सूची तैयार की गई है। 30% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल, अब कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और इसका सीधा असर प्राचार्य और शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर भी पड़ेगा। बिल्कुल करिश्मा, लगातार स्कूल शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जब तमाम सुविधाएं एक साथ और शिक्षकों की उपस्थिति है तो फिर स्कूलों के रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आता है। और इसलिए पिछले साल भी हमने देखा था 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, जिनके नतीजे जो हैं वो बेहद खराब आए थे, जिनके स्कूलों के नतीजे खराब आए थे। और इस बार भी ये जो कार्रवाई है इसकी तैयारी की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किया है और एक ऐसी सूची तैयार की है जिसमें उन स्कूलों के नाम हैं जहां पर जो रिजल्ट है वो बेहद ख़राब आया है और इन स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों की चूंकि अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी और अगर रिजल्ट खराब आता है तो कार्रवाई सीधा उन पर ही की जाएगी। और इसीलिए इन शिक्षकों और प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश जारी हो सकते हैं, रोका जा सकता है। फिलहाल ये तैयारी की जा रही है और इसीलिए जो संयुक्त संचालक हैं और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं सभी जिलों के, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब तक अगर बात करें तो 56 ऐसे स्कूल हैं जिनका सूची में नाम है और जिनके प्राचार्यों और शिक्षकों के नतीजों के आधार पर वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। इसके अलावा उन स्कूलों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिनके नतीजे बोर्ड एग्जाम में 30% से कम आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी और प्राचार्य और शिक्षकों की वेतन वृद्धि रुक सकती है, इसकी अभी तैयारी की जा रही है।